हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मृदुल राणा व्लॉग्स। तो बहुत ही अच्छा वाला व्लॉग आने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपनी पहाड़ी ज्वेलरी लेने, जो कि होती है पहाड़ी नथ। तो हम पहाड़ियों में क्या होता है ना कि सुहाग जो होता है मेन, वो नथ का होता है। तो मैं नथ लेने जा रही हूँ और उसके लिए हम लोग जा रहे हैं सरोजनी नगर दिल्ली में। तो जितने भी दिल्ली हाइट्स हैं उनके लिए आज मैं एक बढ़िया सी शॉप बताने वाली हूँ, जहाँ पे आप सारी गढ़वाली ज्वेलरी ले सकते हो। चाहे आप टीडी के हो, पौड़ी के हो, या चमोली, कोई से भी डिस्ट्रिक्ट के हो, तो वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो मैं आपको वहाँ की कलेक्शन भी दिखाऊंगी और दिखाऊंगी कि मैं वहाँ से क्या क्या लेने जा रही हूँ। तो चलो चलते हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं सरोजनी नगर और यहाँ इतनी ज्यादा जबरदस्त बारिश हो रही है ना कि हमें अंदर ही बैठना पड़ रहा है, क्योंकि कोई भी छाता नहीं लेकर आया है। और ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितनी ज्यादा बारिश में हम लोग यहाँ आ गए हैं, तो बंद होने वाली भी नहीं लग रही है। तो लेट्स सी, वेट करते हैं थोड़ी देर, 5-10 मिनट वेट करते हैं। उससे ज्यादा लगेगा तो फिर भीगते हुए जाना पड़ेगा हमें। आपने कहाँ से ली थी पिन्नी की नथ? तो पहले जो मेरी सिस्टर की नथ थी वो तो नॉर्मल शॉप से ही ली थी, वहां से बनवाई थी ना, ऑर्डर देके बनवाई थी। बट यहाँ पे सारी रेडीमेड मिल जाती है, यहाँ पे ऑर्डर इतना देना नहीं पड़ता। जोधा अकबर वाली नथ, तो यहाँ पे आपको सारी पहाड़ी नथ मिल जाएंगी। यहाँ पे इतना कस्टमाइजेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी आई थिंक सो, बाकी जाके देखते हैं फिर पता चलेगा। ये देखो बारिश, बारिश में भीगते हुए। तो ये हमारा हाल है, हम ऐसे बारिश में भीगते हुए जा रहे हैं बिना अम्ब्रेला के। शादी की शॉपिंग शुरू हो गई, मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है, फर्स्ट टाइम ऐसे भीग के जाना पड़ रहा है। और पता नहीं कितने टाइम बाद सरोजनी नगर मार्केट आ रहे हैं ना, और अब सरोजनी आ रहे हैं और सरोजनी में शॉपिंग भी नहीं कर रहे हैं, ये ज्यादा अजीब लग रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि व्लॉग की शुरुआत हो ही चुकी है और आप लोगों ने टाइटल से पहचान लिया था कि ये व्लॉग है पहाड़ी ज्वेलरी, पहाड़ी नथ की शॉपिंग से रिलेटेड। तो आप लोग इसीलिए देख रहे होंगे, या तो आप पहाड़ी होंगे, या फिर आपको, आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, मेरी फैमिली का पार्ट हैं, या फिर आप भी कुछ पहाड़ी आभूषण लेना चाहते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। मैंने अपनी शादी की शॉपिंग के लिए सबसे पहली चीज़ जो ली थी वो थी पहाड़ी नथ, और हम लोग गए थे ज्योति दर्शनी शॉप जो कि है सरोजनी नगर मार्केट में। तो जो भी आप चैनल्स देखते हो, जो भी यूट्यूब देखते हैं पहाड़ी हैं, तो उन लोगों को पता होगा इस शॉप के बारे में, काफ़ी ही फेमस है ये शॉप यूट्यूब पे। बट मैं आपके साथ अपना इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। तो व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड वाज कि जब मैं नथ लेने गई, हम लोगों ने सब कुछ फाइनलाइज कर दिया और सारी चीज़ें फाइनल हो गई, मुझे डिज़ाइन पसंद आया, सब कुछ हुआ। बट जैसे आप लोगों को पता ही होता है कि ज्वेलरी में हम लोगों का मेकिंग चार्जेस लगता है। सो वॉट हैपन्ड हेयर इज़ कि जब हम लोग ने फाइनलाइज कर लिया, तो माई डैड आस्क्ड कि अब इसमें कुछ मेकिंग चार्जेस हैं, कुछ तो थोड़े बहुत हम चीज़ें प्लस माइनस करते ही हैं। तो उनके जो ओनर थे शॉप के या क्या थे, उन्होंने इतनी रूडली बात करी, इतनी रूडली बात करी कि जैसे आप एक लोकल मार्केट में जाते हैं कहीं से सामान लेने, तो वो इस तरीके से बात कर रहे थे जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सो हम लोगों ने वहाँ से ये नथ नहीं ली। उसके बाद हम लोग जाते हैं पटेल नगर, जो कि हमारा ज्वेलर्स है, जो कि कनक ज्वेलर्स है, और वो बहुत ही अच्छे फेमस ज्वेलर हैं, काफ़ी बड़ी शॉप है। तो वहाँ हम जाते हैं, वहाँ हम पसंद करते हैं एक नथ, और उसको फिर मैं अपने पहाड़ी साइज़ जो होता है पहाड़ी नथ की तरह उसको मैंने कस्टमाइज़ कराया। तो ये थी इसके पीछे की स्टोरी। तो आगे आप देखना कि वो नथ जो मैंने कनक ज्वेलर से फाइनल करी है वो कौन सी नथ है, वो वीडियो में है। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आप लोग गोल्ड खरीद रहे हैं और शादी के लिए, तो मैं आपको ये कहूँगी कि पहाड़ी ज्वेलरी सिर्फ ज्योति दर्शनी या कोई ज्वेलर नहीं देता है। गोल्ड आप उस शॉप से खरीदिए जो कि बड़ी शॉप हो, ना कि छोटे ज्वेलर के पास जाइए, क्योंकि बड़े ज्वेलर के पास सामान अच्छा होगा और आपको अच्छे रेट्स पे देगा,
और हमको इतने कम मेकिंग इंटरेस्ट में कनक ज्वेलर्स पे वो पड़ी है, और ज्योति दर्शनी जो शॉप है वो हमसे डबल मेकिंग चार्जेस ले रहे थे। और इनफैक्ट अगर कोई आपके पास कस्टमर आ रहा है तो आपको अच्छे से डील करना चाहिए, क्योंकि कस्टमर ही आपके लिए सब कुछ है। बट उन्होंने इतने गंदे से डील करा कि जो कहते हैं ना एक स्पॉइलर फर्स्ट शॉपिंग, वो सब कुछ वहाँ हमारा मूड खराब हो गया। बट जब मैंने अपनी कनक ज्वेलर्स से नथ फाइनल करी और वो बन कर आई है, वो इतनी अमेजिंग लग रही है और मैं इतनी खुश हुई वो नथ देखकर। तो आप भी बताना कैसी लगी, और अगर आप पहाड़ी ज्वेलरी या पहाड़ी नथ बनाना चाहते हैं तो आप भी ऐसे कस्टमाइज करवा सकते हैं अपने ज्वेलर्स। सबसे अलग वो साइज दिखा दो। तो आज है दूसरा दिन और मैंने सेम ड्रेस पहन ली है, क्योंकि मुझे इसी ड्रेस के ऊपर नथ ट्राई करनी थी, क्योंकि ब्राइट कलर है तो अच्छा खिल के आएगा। तो मैं वापस आ गई हूँ कनक ज्वेलर्स मम्मी पापा के साथ और नथ का ट्रायल लेने, और फिर नथ फाइनल होके आ जाएगी। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरा था फर्स्ट ट्रायल और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुई नथ को देख के। इतनी प्यारी लुक आ रही थी इसकी, और ये इतनी ज़्यादा हैवी है, अगर आप बाल अच्छे से टाई करके ना पहनो तो नाक ही लटक जाए जैसे इसमें लटक रही है। बट इट वॉज़ लुकिंग सो प्रिटी और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। थोड़ा सा रजवाड़ा फील भी है इसमें, प्रॉपर पहाड़ी भी नहीं कहेंगे, बट वहाँ पे शॉप में भी सबको इतनी ज़्यादा पसंद आई, सब इतनी तारीफ़ कर रहे थे कि इतनी बड़ी नथ बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही है फेस पे। तो ये होता है हमारी पहाड़ी नथ का साइज़। आप छोटा बड़ा जैसे भी आपको आपके फेस के अकॉर्डिंग चाहिए आप करा सकते हैं, बट मुझे बड़ी ही चाहिए थी हमेशा से। तो ये था वो साइज़ जो मैंने अपने लिए लिया, और ये पीछे से आके मुझे बोल के गए कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो इसमें। तो ये मैं ट्राई कर रही थी उस दिन नथ, और ये है मेरी पहाड़ी नथ।